अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। फाइनली अ ह्यूज गिफ्ट ओपनिंग इज़ हियर। ये वो गिफ्ट है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था। ये गिफ्ट जो है ना, ये मेरी 13 साल की कमाई है, 13 ईयर्स ऑफ सर्विंग अ स्कूल। मैंने जब रिज़ाइन किया तो मेरी फेयरवेल पे मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला था। तो गिफ्ट की वैसे कोई औकात नहीं होती पैसों के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से, बट ये मैटर करता है कि आपको किसने दिया और कितनी मोहब्बत से दिए। तो आप लोगों ने भी देखा कि इस गिफ्ट के ऊपर कितनी ढेरों ढेर विशेज लिखी हुई हैं कि आप यकीन करें तकरीबन 4 मंथ हो गए ये पड़ा हुआ था। मैं इसको नहीं खोल सकी थी क्योंकि मैं इसको इसकी वर्थ वैल्यू के साथ खोलना चाहती थी, और इतनी प्यारी विशेज थी कि मैं चाहती थी कि मैं एक एक विश को पढ़ूँ और उसको फील करूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू रिकॉल एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंड देयर इन माई स्कूल। 13 साल मैंने सर्व किया एक स्कूल को एज अ टीचर, एज अ कोआर्डिनेटर, को करिकुलर कोआर्डिनेटर। देन मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया। ये रिज़ाइन भी ऐसा था, इट इज़ लाइक क्या कहते हैं, रिटायरमेंट, नॉट लाइक क्या कहते हैं वो, रिज़ाइन ही था ये। मैंने एक्चुअली टीचिंग डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ली थी। तो मेरी कुलीग्स की बहुत प्यारी ये देखें विशेज़ ऊपर लिखी हुई हैं। इसके लिए पूरी एक डेडिकेटेडली वीडियो है जो कि इसके आगे आने वाली है, तो आपने वो वीडियो भी सारी देखनी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये दुआएं सारी सुने। तो जनाब, हियर इज़ अ टाइम टू ओपन दिस। और मैं बहुत सेंटिमेंटल थी इस गिफ्ट को खोलने के लिए। कितना अरसा ये गिफ्ट मेरे सराहाने पड़ा रहा है मेरे बेडरूम में, कि क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से खोलना चाहती थी। एनी हाउ, आज मुझे ये खोलना पड़ा क्योंकि गेस्ट भी आ रहे थे और मेरे दिल था कि ये मैं नया वाला रग भी बिछाऊं, तो फिर मैंने जल्दी से इसकी वीडियो बनाई है। तो जनाब, ये सारे वो कवर्स हैं जिनके ऊपर बहुत प्यारी विशेज़ हैं, और इनको साथ साथ मैं पढ़ रही थी और साथ साथ मैं मतलब सेंटी भी हो रही थी। और गिफ्ट जो है ना, ये बहुत प्यारा था। दिस इज़ लवली गिफ्ट। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो स्कूल था ना, ये एक कॉर्पोरेट स्कूल है जिसमें मैंने एज अ टीचर जॉब की थी, और बहुत प्यारा टाइम गुजरा 13 साल। मतलब यार, ये मेरे लिए गिफ्ट बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये मेरे कुलीग्स की मोहब्बत है। इतनी प्यारी पैकिंग माशाल्लाह, और इतनी मोहब्बत से इसकी पैकिंग की हुई थी कि कितना अरसा तो मेरा खोलने को दिल नहीं किया था। तो मैंने ये जॉब क्यों क्विट की है, ये सारी चीज़ें आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिलनी है, तो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। क्योंकि मैंने टीचिंग को छोड़ के बिज़नेस के लिए, एक नए शोबे को अडॉप्ट करने के लिए, मैंने इतना अच्छा अपना एक ब्राइट और शाइनिंग करियर को जो है ना, मैंने गुड बाय बोला है। तो दैट इज़ क्या कहते हैं, बिग डील। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये सेट हो गया है। कमरे की हालत अभी ख़राब है, और बट दिस इज़ लुकिंग सो लवली, इतना प्यारा। थैंक यू सो मच माय डियर कलीग्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और मेरे कलीग्स, सबका बहुत शुक्रिया। आई जस्ट लव दिस। और ये हैं वो प्यारी प्यारी दुआएँ जिनको पढ़ने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा टाइम। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बहुत प्यारा लग रहा है, कारपेट यहाँ बिछा हुआ, आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।